प्रश्नोत्तर के 24वें भाग को प्रारंभ करते हैं। एक साधक ने महर्षि रमण से पूछा कि महर्षि, सत्य इतना सरल है, स्पष्ट है, फिर भी सत्य को सुनकर मनुष्य संतुष्ट क्यों नहीं होता? तब महर्षि ने कहा, क्योंकि संस्कारों का नाश नहीं किया गया है। जब तक संस्कारों का नाश नहीं होगा, संदेह और गलत धारणाएं बनी रहेंगी। इन संदेहों को तथा गलत धारणाओं को नष्ट करने के लिए सारे उपाय किए जाते हैं। ऐसा करने के लिए उनके मूल को काट देना चाहिए। संस्कार वह मूल है। गुरु की बताई हुई पद्धति से अभ्यास करने से ये सब बेअसर हो जाते हैं। गुरु इतना कार्य शिष्य के लिए छोड़ देता है जिससे वह स्वयं समझ सके कि अज्ञान का अस्तित्व नहीं है। सत्य का श्रवण प्रथम भूमिका है। इससे यदि दृढ़ ज्ञान नहीं होता तो मनन तथा निरंतर निदिध्यासन आवश्यक होता है। इन दोनों से संस्कार बीज जल जाते हैं, तब वे बेअसर होकर फिर अंकुरित नहीं होते। कुछ असाधारण लोग सत्य को केवल एक बार सुनकर दृढ़ ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ये आगे बढ़े हुए पके हुए साधक होते हैं। नए साधकों को ज्ञान प्राप्त करने में अधिक समय लगता है। महर्षि, अविद्या कैसे उत्पन्न हुई? अविद्या उत्पन्न नहीं हुई, उसका अस्तित्व सच्चा नहीं है। जो है वह विद्या ही है। तो मुझे साक्षात्कार क्यों नहीं होता? संस्कारों के कारण। लेकिन इस बात का अन्वेषण कीजिए कि किसे और किसका साक्षात्कार नहीं होता, तब अविद्या है ही नहीं, यह स्पष्ट हो जाएगा। तो लक्ष्य को मानकर साधना प्रारंभ करना गलत है या नहीं? यदि कोई प्राप्त करने योग्य लक्ष्य है तो वह नित्य नहीं हो सकता। लक्ष्य पहले से ही मौजूद होना चाहिए। हम अहंकार के साथ लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन लक्ष्य अहंकार के पहले ही मौजूद है। जो लक्ष्य में है वह हमारे अर्थात अहंकार के जन्म से पहले ही है। चूंकि हमारा अस्तित्व है, अहंकार का भी अस्तित्व दिखाई देता है। यदि हम आत्मा को अहंकार माने तो हम अहंकार बन जाते हैं, यदि मन माने तो मन बन जाते हैं, एवं शरीर माने तो शरीर बन जाते हैं। विचार विविध रूप वाले कोशों को बनाता है। पानी पर छाया हिलती हुई मालूम पड़ती है, क्या कोई उस छाया का हिलना रोक सकता है? यदि उसका हिलना बंद हो जाए तो आप पानी को नहीं केवल प्रकाश को देखेंगे। उसी तरह आप अहंकार तथा उसकी चेष्टाओं की ओर ध्यान मत दीजिए, केवल उसके पीछे रहे हुए प्रकाश को देखिए। अहंकार मैं का विचार है और सच्चा अहम आत्मा है। महर्षि, यदि केवल विचारों के त्याग का प्रश्न है तो साक्षात्कार बस केवल एक कदम ही दूर हुआ फिर तो? साक्षात्कार एक कदम भी दूर नहीं है, साक्षात्कार पहले से ही है। निर्विचार अवस्था ही सच्ची अवस्था है। साक्षात्कार कोई क्रिया नहीं है। क्या कोई ऐसा क्षण है जिसमें आत्मा का साक्षात न हो? क्या कोई अपने अस्तित्व का इनकार करता है? साक्षात्कार में एक साक्षात्कार करने वाला और दूसरा जिसका साक्षात्कार किया जाए, वह ऐसे दो दिखाई पड़ते हैं। जो अब तक साक्षात नहीं था उसको आवश्यकता है? जो स्वयं से भिन्न न होकर अपने भीतर ही विद्यमान है
उसे मैं नहीं जानता, ऐसा कहना मैं स्वयं अपने आप को नहीं जानता, ऐसा कहने के बराबर है। महर्षि, लेकिन मनुष्य उस अवस्था तक कैसे पहुंच सकता है? पहुंचा जा सके ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है, ध्यान दो इस बात पर। किसी वस्तु को प्राप्त नहीं करना है, यही हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम वस्तु को प्राप्त करने लग जाते हैं, क्योंकि बचपन से हमारा स्वभाव ऐसा रहा है। आप आत्मा हैं, आपका अस्तित्व हमेशा रहता है, इससे अधिक उसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। आत्मा को अर्थात ईश्वर को देखने का अर्थ आत्मा अर्थात आप जो हैं वह बने रहना है, देखने का अर्थ होना है। आत्मा होते हुए भी आप आत्मा तक कैसे पहुंचा जाए ऐसा पूछते हैं, यह कैसी बात है? जैसे कोई रमण आश्रम में रहकर यह पूछे कि रमण आश्रम पहुंचने के कितने मार्ग हैं और उनमें से उनके लिए श्रेष्ठ कौन सा है। आपको जो करना है वह केवल इतना है कि आप शरीर हैं, इस विचार को तथा बाह्य पदार्थों के सारे विचारों को अनात्मा मानकर छोड़ देना है। महर्षि, अहंकार क्या है? उसका सच्चे आत्मा के साथ क्या संबंध है? अहंकार आता जाता है, अतः अनित्य है, जबकि सच्चा आत्मा नित्य है। यद्यपि आप वस्तुतः सच्चे आत्मा हैं, फिर भी गलती से उसका अहंकार के साथ तादात्म्य कर देते हैं, उसे मिला देते हैं। महर्षि, ऐसी गलती होती कैसे है? अन्वेषण कीजिए कि यह गलती हुई है या नहीं भी, या केवल दिखावा मात्र है। महर्षि, मनुष्य को अहंकार का सच्चे आत्मा में ऊर्ध्वीकरण करना चाहिए, उसे आत्मा तक जाना चाहिए। ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि अहंकार का अस्तित्व ही नहीं है, तो कैसे वह हमें मुसीबत में डालता है? महर्षि, यह मुसीबत किसके लिए है? मुसीबत भी काल्पनिक है। मुसीबतें एवं मैं केवल अहंकार के लिए है। महर्षि, जगत इस तरह अज्ञान से क्यों घिरा हुआ है? अपनी चिंता करो, जगत अपनी चिंता अपनी फिक्र अपने आप कर लेगा। अपने आत्मा को देखो, यदि आप शरीर हैं तो स्थूल जगत भी है, यदि आप आत्मा हैं तो सब कुछ ब्रह्म है। यह सत्य व्यक्ति के विषय में तो ठीक है, किंतु सारे जगत का क्या होगा? महर्षि, पहले अपने सत्य का निर्णय कर लो, तब देखो कि यह प्रश्न उठता भी है या नहीं। पहले अपने आप को जानो, देखो, समझो, परखो। महर्षि, अविद्या का अस्तित्व है क्या? किसके लिए अस्तित्व है? अहंकार के लिए? हाँ, अहंकार के लिए अविद्या है। अहंकार का त्याग करोगे तो अविद्या चली जाएगी। अहंकार को ढूंढो तो वह लुप्त हो जाता है और सच्चा आत्मा शेष रहता है। अविद्यायुक्त अहंकार को नहीं देखना है। सब शास्त्र अविद्या का अभाव सिद्ध करने के लिए हैं। महर्षि, अहंकार उत्पन्न कैसे होता है? अहंकार नहीं है, अन्यथा आप क्या दो आत्माओं को स्वीकार करते हैं? अहंकार के अभाव में अविद्या कैसे हो सकती है? आप विचार करना शुरू करेंगे तो अविद्या, जो पहले से ही नहीं है, मिलेगी ही नहीं, जैसे आप कहेंगे कि वह लुप्त हो जाएगी। अज्ञान अहंकार के साथ जुड़ा है। आप अहंकार के विषय में क्यों सोचते हैं और परेशान होते हैं? अज्ञान है क्या? वह वो है जिसका अस्तित्व नहीं है।
सांसारिक व्यवहार के लिए अविद्या की मान्यता जरूरी है। अविद्या हमारे अज्ञान से अधिक कुछ नहीं है, आत्मा की विस्मृति। अज्ञान है, सूर्य के समक्ष अंधकार ठहर सकता है क्या? ऐसे ही स्वयंभू स्वयं प्रकाश आत्मा के समक्ष अज्ञान नहीं ठहर सकता। यदि आप आत्मा को जाने तो अहंकार नहीं रहेगा, नहीं अज्ञान रहेगा, नहीं ये सारे दुख रहेंगे। यह तो मन है जिसे उपद्रव तथा दुख का अनुभव होता है। अहंकार न आता है न जाता है। सूर्य को देखिए और अंधकार है ही नहीं। इसी तरह आत्मा को देखिए तो अविद्या नहीं है, ऐसा ज्ञान हो जाएगा। महर्षि, असत्य कैसे पैदा हुआ? क्या सत्य से असत्य उत्पन्न हो सकता है? अन्वेषण कीजिए कि वह उत्पन्न हुआ है भी या नहीं। दूसरे दृष्टि बिंदु से असत्य जैसी कोई चीज नहीं है, केवल आत्मा का ही अस्तित्व है। जब आप जगत तथा अन्य सब पदार्थों को देखने वाले अहंकार का मूल ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा कि अहंकार है ही नहीं, न ही आपको दिखने वाली ये सारी सृष्टि है। महर्षि, आत्मज्ञान को इतना मुश्किल बनाना ईश्वर लीला की निर्दयता नहीं है? आत्मा को जानने का अर्थ है आत्मा होना। होना ही सत्ता है, स्वयं का होना सत्ता है। कोई भी अपनी न दिखने वाली आंखों के अस्तित्व की तरह न दिखने वाली आत्मा का इंकार नहीं करता है। जैसे आप अपनी आंखों को दर्पण में वस्तु की तरह देखते हैं, इसी प्रकार आप अपने आत्मा को वस्तु की तरह देखना चाहते हैं। यही मुसीबत है। आप वस्तु सत्ता से इतने घुल मिल गए हैं कि आपने अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान गंवा दिया है, केवल इस कारण कि आत्मा को वस्तु की तरह नहीं देखा जा सकता। आत्मा को कौन जानेगा? क्या अचेतन शरीर उसे जानेगा? आप हमेशा अपने मैं के बारे में बोलते एवं सोचते हैं, लेकिन पूछे जाने पर उसका इंकार करते हैं। आप आत्मा हैं फिर भी पूछते हैं कि उसे कैसे जाना जाए, उसमें ईश्वर की लीला और उसकी निर्दयता कहाँ है? चूंकि लोग आत्मा का इंकार करते हैं, शास्त्र माया लीला इत्यादि बात करते हैं, इसलिए ऐसा लगता है। महर्षि, क्या मेरा साक्षात्कार दूसरों की सहायता कर सकता है? हाँ, निश्चित रूप से। हर संभव सहायताओं में यह सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन जिनकी सहायता की जाए ऐसे दूसरे हैं ही नहीं, क्योंकि सुनार जैसे सारे गहनों में केवल सोना ही देखता है, ऐसे ज्ञानी सब में केवल आत्मा ही देखता है। आप जब अपने आप को शरीर के साथ एक रूप मानते हैं, केवल तभी आकार एवं ये रूप दिखाई देते हैं। लेकिन जब आप अपने शरीर से परे होते हैं तो आपकी शारीरिक चेतना के साथ दूसरे भी अदृश्य हो जाते हैं। महर्षि, क्या पेड़ वनस्पति इत्यादि के बारे में भी यह सत्य है? क्या वे कभी भी आत्मा से अलग अस्तित्व रखते हैं? इसको ढूंढो। आप सोचते हैं कि आप उन्हें देखते हैं, विचार आत्मा से प्रकट होते हैं। ढूंढ निकालिए कि ये विचार कहाँ से प्रकट होते हैं, तब विचार शांत हो जाएंगे और केवल आत्मा शेष रहेगा। महर्षि, मैं ये बात केवल बौद्धिक स्तर पर समझा, लेकिन अब भी वे दिखाई देते हैं। हाँ, यह चलचित्र जैसा है, पर्दे पर प्रकाश डाला जाता है और उस पर दिखने वाली गतिशील छायाएं
देखने वाले में ऐसा प्रभाव उत्पन्न करती हैं जैसे कोई कथा दिखाई जा रही हो। यदि उस कथा में दर्शकों को भी कथा के भाग के रूप में पर्दे पर दिखाया जाए तो दृष्टा और दृश्य दोनों पर्दे पर दिखाई देंगे। इसको आप पर घटाइए, आप पर्दा हैं। आत्मा ने अहंकार को उत्पन्न किया है और अहंकार अपने ऊपर चिपके विचारों के भार से लदा हुआ है, जो जगत, वृक्ष, वनस्पति इत्यादि के रूप में दिखाई देते हैं, जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं। वस्तुतः ये सब आत्मा के अलावा कुछ नहीं है। यदि आप आत्मा को देखें तो वही सर्वदा, सर्वत्र, सर्वरूप दिखाई देगा। आत्मा से अलग कुछ भी तो नहीं है। हाँ महर्षि, अब भी मैं केवल सैद्धांतिक स्तर पर ही समझ रहा हूँ, फिर भी आपके उत्तर सादे हैं, सुंदर हैं, श्रद्धेय हैं। मैं नहीं समझा पा रहा हूँ या समझ पा रहा हूँ, यह विचार भी एक विघ्न है। वस्तुतः केवल आत्मा ही है। जब तुम गहरे अपने आप के अंदर उतरोगे तो तुम पाओगे कि केवल आत्मा का ही अस्तित्व है। तुम्हारी आत्मा को देखने के बाद तुम पाओगे कि तुम्हारे सारे संशय मिट गए हैं। एक भी प्रश्न तुम्हारे अंदर नहीं उठता, कोई भी दुख वहाँ नहीं रहता।